अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपवर्क के डैशबोर्ड ओवरव्यू के अबाउट। अपवर्क के डैशबोर्ड के अंदर आपको जो जो ऑप्शंस नज़र आते हैं उन ऑप्शंस का क्या मतलब है और उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि उन ऑप्शंस का क्या मतलब है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इस फाइंड वर्क के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जॉब के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैसेजेस का ऑप्शन है, ये सर्च आइकन है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं और यहाँ पे फिर अगेन वही सेटिंग्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चले बारी बारी इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड वर्क, अगर आप फाइंड वर्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जॉब्स नज़र आएंगी जो कि बायर्स ने पोस्ट की हुई हैं और आपकी स्किल के मुताबिक जो भी स्किल्स आपने अपने प्रोफाइल में सेट की होंगी यहाँ पे सिर्फ वही जॉब्स नज़र आएंगी जो आपको जो आपकी स्किल के मुताबिक होंगी जो आपने प्रोफाइल में सेट की हैं और आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, क्या होगा, वो आगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर हम बात करेंगे। सेफ जॉब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास उन जॉब्स को आप सेव कर सकते हैं जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों और आप उनको देखना चाह रहे हो कि ये जॉब आपने सेव कर लिया है, इस जॉब पे अभी क्लाइंट ने किसी को हायर तो नहीं कर लिया, अभी मेरा चांस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक जॉब को आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद प्रपोजल्स बेसिकली आपने किन किन जॉब्स पे अप्लाई किया है और उनको क्या क्या लिखा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी, राइट। अभी हमने कोई प्रपोजल नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, हमें कोई ऑफर नहीं आई, इनविटेशन नहीं आया, प्रपोजल हमने नहीं भेजे, सबमिट नहीं किए, तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रोफाइल का, आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। उसके बाद है माय स्टैट्स, इस स्टैट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आप देख सकते हैं कि आप जो बिड्स कर रहे हैं, आप बिड्स इन सेंस कि आप प्रपोजल कर रहे हैं, जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लोग आपकी जो है वो प्रोफाइल के ऊपर आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, कितने लोग कितने दिन में आए, 10 दिन में कितने लोग आए, 1 मंथ में कितने लोग आए, आपको यहाँ से पता लगेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पर कितने लोग आए हैं और कितने लोग नहीं आए, और अगर आए हैं तो वो आपको हायर क्यों नहीं कर रहे, आपकी प्रोफाइल में कोई ख़राबी है या आपने सही से अपना बायो नहीं लिखा हुआ या आपने प्रोजेक्ट सही से नहीं लगाए हुए, तो आपको समहाउ यहाँ से वो आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टैट्स देखने के बाद। उसके बाद ऑप्शन है माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। तो इसके अबाउट भी हम डिटेल के अंदर आगे चल के बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के अबाउट। तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास माई जॉब्स, जो जिन जॉब्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिनके ऊपर आप क्लाइंट ने आपको हायर किया हुआ है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नज़र आएंगे जो आप कंप्लीट कर चुके हो या जो आपके एक्टिव हैं या जो आपके क्लोज हो चुके हैं, वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। और यहाँ पे आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, बाय डेट भी, और इस तरह से इनको इनकी जो डिटेल है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्क डायरी, ये वर्क डायरी के अंदर बेसिकली आपका तमाम वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अबाउट आपने काम किया है उन सब का डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे क्या काम किया, कैसे किया, उनके कुछ स्क्रीनशॉट आवरली जॉब्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको उस तरह से नज़र आएंगी। उसके बाद रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, ऑब्वियसली बात है जिस तरह इसके नाम से जाहिर है आप किसी भी तरह की रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं ओवरव्यू पे जाऊँ तो ये हमारे पूरे अकाउंट के ओवरव्यू डिटेल दे देगी कि हमने कितने पैसे का काम जो है हमारा प्रोग्रेस के अंदर है, इन रिव्यू के अंदर है, पेंडिंग में अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल फॉर विड्रॉ कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। माई रिपोर्ट के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे जो भी रिपोर्ट्स चाहिए होंगी वीकली मुझे डाउनलोड करनी होगी, तो ये सारी चीज़ें मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद बिलिंग्स एंड अर्निंग्स कि मैंने कितना स्पेंड किया कनेक्ट्स बाय करने के लिए, कितना क्या चीज़ किया, अब मैंने कोई और फ्रीलांसर मैंने हायर किया है नहीं किया, वो सारी बिलिंग और अर्निंग्स मैंने कितनी यहाँ से विड्रॉ की हैं, कितनी मैंने कमाया है अपवर्क के ऊपर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी। बिलिंग्स एंड अर्निंग, लाइफ टाइम बिल्ड, सारी चीज़ें उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कनेक्ट हिस्ट्री, कनेक्ट्स के अबाउट डिटेल के अंदर आगे चल के हम बात करेंगे कि आपने कनेक्ट्स कितने खर्च कर दिए हैं, कितने आपने बाय किए थे, अगर बाय करने तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं।
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आपने कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, क्लाइंट से कितने पैसे आपको आए, वो सारी हिस्ट्री और डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो कि अपवर्क आपको देता है और इसके ऊपर आपकी डिटेल में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। आप ये डॉक्यूमेंट यूज़ करके कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहीं पे जॉब लेने जा रहे हैं या आप कहीं पे अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, एज अ बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो वो आपसे आपका वर्क के रेलिवेंट चीज़ें पूछते हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट उनको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये मेरे स्किल्स हैं और इतनी इतनी मेरी अर्निंग्स हैं लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। तो ये सर्टिफिकेट उस तरह से वैलिड हो जाता है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सर्च का, तो आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे यूज़ करके आप उसके रेलिवेंट जॉब्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप कोई शख्स ढूंढ रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एहसान तानिश और टैलेंट पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ लोग ही आएंगे। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे देखें मेरी प्रोफाइल आ गई, मैं कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से वर्डप्रेस, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से जिस तरह फाइवर पे गिग आते हैं उस तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। सिमिलरली अगर मैं जॉब सर्च करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी मेरी डिज़ायर जिस तरह की भी जॉब मुझे चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे उनको सर्च भी कर सकता हूँ और उनके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जॉब्स हैं और इनके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो गया ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए अपवर्क की तरफ से, तो इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरह से काम करते हैं, आगे चल के लेक्चर्स के अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊँगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे तमाम नज़र आ जाएंगे, आपके अकाउंट से रेलिवेंट, कॉन्ट्रैक्ट से रेलिवेंट कुछ भी नोटिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये फाइनल ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा नेम शो हो रहा है, हम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर आप इसको आपने कभी भी एक्टिव नहीं करना, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही रहना है। और उसके बाद ये वाला जो सेटिंग का ऑप्शन है ये हम डिटेल के अंदर देख चुके हैं, इसके अंदर जो भी ऑप्शंस थे वो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल के अंदर ये सारे ऑप्शंस देख चुके थे। और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करना चाह रहे हैं, सिंपल यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू समझ आया होगा कि किस तरह से डैशबोर्ड काम करता है और कौन कौन से ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे चल के और काफ़ी सारे ऑप्शन भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। Keep learning, keep exploring. Allah Hafiz.